हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट पे। हम आज बात करने वाले हैं चक्रीय चतुर्भुज एवं उससे रिलेटेड कुछ अवधारणाओं के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या है चीज़ें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, तो हम बात करने वाले हैं चक्रीय चतुर्भुज एवं वृत्त प्रमेय की अवधारणा। वृत्त से रिलेटेड कुछ प्रमेय हैं जिसके अवधारणा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं अपने अगली स्लाइड में क्या है चीज़ें। तो हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, डिफाइन किया गया चक्रीय चतुर्भुज और उस वृत्त के प्रमेय से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसमें हमने पढ़ना है। इसके पहले हम वृत्त में क्या, देखो आपका एक वृत्त बड़ा बड़ा सेक्शन है जिसमें 4-5 चैप्टर आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि वृत्त से रिलेटेड कुछ प्रमेय हैं। जैसे बाहर बिंदु दिया गया है तो उससे स्पर्श रेखा खींचनी है, अंदर बिंदु दिया गया है तो उस पर स्पर्श रेखा खींचनी है, वृत्त पर स्पर्श बिंदु दिया गया है तो उससे स्पर्श रेखा खींचनी है। ये आपका स्पर्श रेखा से रिलेटेड एक टॉपिक हो गया, जिसको मैं अपने पिछले वीडियो जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिंक, उसमें जाके आप प्लीज़ कम्प्लीटली देखो, क्योंकि ये चार पाँच चैप्टर है आपके बुक में। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाला है, और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ से फिक्स्ड है क्वेश्चन आने वाला है। तो हम पढ़ते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म 180 अंश का होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, पहले हम आपको बता दूं चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है कि एक सर्किल है और किसी चतुर्भुज का अगर चारों शीर्ष उस सर्किल पर अवेलेबल हो, चारों शीर्ष कहाँ अवेलेबल हो, उस सर्किल पर अवेलेबल हो, ध्यान से सुनना, चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ होने चाहिए, सर्किल पर होने चाहिए। इट मीन्स दैट अंदर नहीं होने चाहिए, सर्किल पर होने चाहिए। तो अगर एक सर्किल है आपका और अगर आपके चारों शीर्ष अवेलेबल हैं इस तरह से, तो इसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। अब क्या कहा गया है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग, सम्मुख कोण इन द सेंस अगर ये ए बी सी और डी नाम है इस चतुर्भुज का, तो ए और सी का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 180 के। फिर इसी तरह से बी और डी का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, वो भी बराबर होगा 180 के, बिकॉज ये दोनों सम्मुख हैं और ये दोनों क्या हैं, सम्मुख हैं। मतलब सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। बस आप क्लियरली ये समझो, दिया गया है यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी युग्म का योग 180 अंश है तो चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय होता है। देखो ये भी बड़ी अच्छी बात कही गई, अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है तो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। अगला हम देखते हैं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। इस चीज को मैं फिर से बहुत अच्छे से क्लियरली क्लियरिफाई करूंगा, जिसको हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। एक वृत्तखंड में बने दो कोण बराबर होते हैं, एक वृत्तखंड होता है, कल हमने इस पे एक वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हो। अगर एक जीवा यहाँ पे लिख दी जाए तो इसके द्वारा वृत्त के दो खंड हो जाते हैं, ये वाला खंड हमारा दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा और ये वाला खंड हमारा क्या कहलाएगा, लघु वृत्त खंड। इट मीन्स दैट कि अगर इस तरह से एक कोण बना है, दो कोण बने हैं एक ही वृत्त खंड में, मतलब ये दोनों कोण कहाँ बने हैं, एक ही वृत्त खंड यानी दीर्घ वृत्त खंड में, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं, क्वेश्चन कैसे लगेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और क्वेश्चन मैं दिया भी हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो एंड नोट डाउन एवरी टॉपिक एज अ नोट्स एंड क्लियर दैट। अगर आपको एक बार भी क्लियर नहीं हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को एक बार और देखो, बिकॉज देखो मैथमेटिक अगर हलवा होती ना तो सबको क्लियर हो जाती। आप किसी भी यूट्यूबर्स या किसी भी वीडियो को देख करके स्किप करके निकल जाओगे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, बिकॉज आप चार जगह घूमोगे, चार लोग पढ़ाएंगे, चार चीज़ें दिमाग में आएंगी जो क्लियर ही नहीं होंगी। आप एक जगह बिलीव करो, मैं ये नहीं कर रहा मेरे पास करो, एक जगह बिलीव करो और अच्छे से उसको एक बार दो बार किसी को वक्त दो, ठीक है। देखो क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है ना तो वो तुरंत कूदता नहीं है, कभी देखे इंसान का बच्चा पैदा हुआ कूद लिया, लेकिन गाय के बच्चे तुरंत कूद देते हैं क्योंकि वो जानवर होते हैं। इंसान का बच्चा पहले क्रॉल करेगा, उठना बैठना हाथ पांव मारना सीखेगा। इट मींस दैट आपको अगर कूदना है तो आप एक बार में नहीं कूद सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी, जैसा भगवान ने हमें बना के दिया उसी तरह से, ठीक है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम कुछ कोणों के रिलेटेड सारी चीज़ों को हम देखेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ तीन फिगर दिए गए हैं, तीनों फिगर में मैं पूरा का पूरा समझाने की आपको कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना बस, ठीक है।
आगे देखो, देखो चाप क्या होता है, तो ये है पी से लेके क्यू तक की जो परिधि पर डिस्टेंस है, ये हमारी चाप है, ठीक है। अब चाप का लास्ट पॉइंट कौन कौन सा है, तो वो है पी और क्यू, बस यही दो चीज आप याद रखो। चाप जब भी दिखे आपको उसका लास्ट पॉइंट याद रखो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित को दिया, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो केंद्र पर भैया ये वाला कोण बन रहा है, ठीक है। वृत्त के शेष भाग के, तो वृत्त का शेष भाग, ये सब शेष भाग है ना, चाप को छोड़ दोगे तो यही तो शेष भाग उसका हुआ, ठीक है। वृत्त के शेष भाग पर के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, तो देखो ये एक बिंदु दिया गया है जिस पर एक कोण बन रहा है, ये वाला, मतलब किसी बिंदु पर अंतरित कोण, कोण अंतरित कोण का दोगुना होता है, कौन दोगुना होता है, तो दोगुना ये केंद्र वाला होगा। फिर से हम समझते हैं, किसी चाप द्वारा अंतरित कोण, तो ये केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब ये वाला केंद्र, ये वाला केंद्र, ये वाला कोण, ठीक है। वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, तो मतलब इस बिंदु पर ये जो कोण बन रहा है इसका दोगुना होगा, अंतरित कोण का दोगुना होगा, मतलब ये दोगुना होगा। इट मींस दैट अगर ये यक्स है डियर फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, 2x। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब जरा मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ध्यान से सुन लेना, मैं फिर से एक सर्कल बना के ड्रॉ कर रहा हूं, हमारा एक चाप है जो P और Q लिखा गया है, और यहां से एक कोण यहां पे भी बन रहा है, और ये सेंटर है हमारा, इस पे भी बन रहा है। अब मैं बोला यहां पे 30 अंश दिया गया है, तो यहां पे कितना बनेगा डियर फ्रेंड्स, तो यहां 60 अंश बनेगा। इट मीन्स दैट कि अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे 80 अंश बना दे रहे हो और आपसे सवाल में पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 40, बिकॉज इसका आधा होता है। तो यही चीज कभी कभी आपको प्रमेय में उल्टी लिखी हुई मिलेगी कि वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण, वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण यानी ये वाला कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। तो देखो 80 का आधा क्या हो गया, 40। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, एक सर्किल आपको दिया गया है, एक चाप दे दिया गया है ए और बी, ठीक है, ए और बी आपको दे दिया गया है, और यहाँ से एक कोण यहाँ बन रहा है, और फिर इसी से, अब देखो कैसे पहचानोगे उसी से बन रहा है, ये जो कोण परिधि पर बन रहा है, अगर मान लो हम इसे सी ले लेते हैं, तो ये जो सी परिधि पर बन रहा है, ये इसकी एंडिंग पॉइंट कहाँ पे, ए पे है, और इस इधर से भी कहाँ पे है, बी पे है, और ये जो कोण केंद्र पर बन रहा है इसका भी एंडिंग पॉइंट ए और बी पे है। अगर ये चीजें ऐसी नहीं बनी है तो ये रूल फॉलो ही नहीं होगा, क्योंकि देखो साफ लिखा गया है एक चाप द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है, एक चाप द्वारा केंद्र पर भी कोण बनना चाहिए, और एक ही चाप द्वारा कहां पे बनना चाहिए, वृत्त पर, वृत्त की परिधि पर भी बनना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब ये क्या हो गया, सर्किल दिया गया है और चाप आपका पी क्यू दिया गया है, जैसा कि पहले सर्किल में आप लोग देख पा रहे हो, तो वहां से एक एक कोण बना है आपका ए पे। अब देखो वो जो ए से भुजाएं निकल रही हैं वो भी इंड कहाँ पे हो रही है, पी पे हो रही हैं, और कहाँ पे हो रही हैं, क्यू पे हो रही हैं, और जो केंद्र से भुजाएं निकल रही हैं वो भी इंड कहाँ पे हो रही हैं, पी पे हो रही हैं और क्यू पे हो रही हैं, इसीलिए यहाँ पे रूल फॉलो होगा। लेट्स अज्यूम दैट अगर यहाँ पे 100 अंश बनता है तो ये कहाँ पे बना है, केंद्र पर बना है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 50, कितना बनेगा, 50। अब जरा देखते हैं, हम दूसरे अपने चित्र को समझते हैं क्या कहा है उसमें, तो देखो यहाँ पे P और Q जो है वो इनके बीच की दूरी थोड़ी कम है, यहाँ पे क्या किया है, पूरा का पूरा बढ़ा दिया है, क्या किया है, पूरा का पूरा बढ़ा दिया है, मतलब इस P को, इस Q को खींच के यहाँ तक पहुँचा दिया, इस P को खींच के यहाँ तक पहुँचा दिया, और फिर भी देखो सेंटर से जो भुजाएं निकल रही हैं वो भी P पे खत्म हो रही है और Q पे खत्म हो रही है, जैसे यहाँ पे O से निकलने वाली भुजा P पे खत्म हो रही थी और Q पे खत्म हो रही थी, और जो A से निकलने वाली भुजा थी वो भी A पे, P पे खत्म हो रही थी और Q पे खत्म हो रही थी, उसी तरह से यहाँ से भी A से निकलने वाली भुजा P पे खत्म हो रही है, और कहाँ पे खत्म हो रही है, Q पे खत्म हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स आप देखो ध्यान से, यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे एक भुजा पर कितने अंश का कोण बनता है, मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 180 अंश का, तो अगर केंद्र पर 180 बन रहा है तो वृत्त की परिधि पर कितना बनेगा, 90 अंश, और चूंकि ये जो पी क्यू ए है ये अर्धवृत्त है, इसीलिए आप एक लास्ट थियरम पढ़े होगे, अगर आप स्लाइड को पीछे करके देखोगे तो लास्ट थियरम जो आप पढ़े होगे उसमें यही लिखा गया है कि अर्धवृत्त में बना कोण, ये जो 13वां नंबर लिखा गया है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इस स्लाइड को इसीलिए दिया गया है, तो देखो ये अर्धवृत्त में बना कोण था जो कैसा हो गया है, समकोण हो गया है, जो कैसा हो गया है, समकोण हो गया। एंड एक चीज और याद रखना, यहां से मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, क्योंकि अभी उसको क्वेश्चन लाऊंगा ना तो समझ में आएगा आपको। जैसे देखो अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको,
अब आपको ये क्लियर हो गया कि केंद्र पर अगर 100 अंश बन रहा है तो परिधि पर 50 अंश बनेगा, अगर परिधि पर 30 अंश बन रहा है तो केंद्र पर कितना बनेगा, 60 अंश बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये पी क्यू है और यहाँ पे इस तरह से एक एंगल बन रहा है और ओ पर भी ये एंगल बन रहा है। ठीक है, अब मैं कहा कि ये वाला कोण बन गया आपका 200, ध्यान से सुनना, ये वाला कोण 200 बन गया, तो इसका मान बता दो तो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 200 बन रहा है तो वहां 100 बनेगा, यही गलती करते हैं लोग और यही एग्जाम में पूछा गया है 2018 या 19 के पेपर में, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, बट फर्क वहां है कि ये एंगल शायद कुछ अलग लिखा होगा, बट क्वेश्चन यही है। माई डियर फ्रेंड्स, आप जितनी भी चीजों को देख रहे हो जरा ध्यान से देखना, तो ये जो ए से एक डॉटेड लाइन निकल के आ रही है, देख रहे हो, तो वो इंडिकेट कर रही है कि अगर ए वाला कोण नीचे की तरफ बन रहा है तो उसके केंद्र पर भी बनने वाला कोण कहाँ बनेगा, नीचे के ही तरफ। और मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया है वो क्वेश्चन मैंने दिया था इस तरह से कि पी क्यू था और यहाँ पे एक कोण बन रहा था और यहाँ पे भी कोण बन रहा था, बट ये कोण इधर बन रहा था और हमने इसका मान पूछा था। तो देखो ये कोण बनना किधर चाहिए था, इधर, ये याद रखना। ठीक है, तो अब हमने मान दे दिया था इसका कि ये हमें 200 मिला है, ये वाला ऊपर वाला, तो भैया ये जब तक नहीं पता होगा ना, मतलब नीचे वाला जब तक नहीं पता होगा हम ये कोण नहीं बता सकते हैं, तो ये याद रखना। अब अगर ऊपर एक बिंदु पे 200, अगर मान लो यहाँ पे एक बिंदु है तो इस पे टोटल कितने अंश का कोण बनता है, तो इसमें बनता है 360। तो अगर यहाँ पे ऊपर 200 बन गया, मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक सर्किल है, अगर यहाँ पे पी क्यू दिया गया है और एक कोण दिया गया है और यहाँ पे 200 बन गया, लेट्स अज्यूम दैट यहाँ पे 200 बन गया, तो 200 बन गया तो इधर कितना बनेगा, तो ये बनेगा 160, बिकॉज दोनों मिलके कितने होंगे 360, क्योंकि एक बिंदु पर इस ओ पर इस पूरी तरफ कितना बनेगा 360 अंश बनेगा। तो अगर ऊपर 200 बन गया तो नीचे 160 का आधा कितना होगा, तो 160 का आधा कितना होगा 80। अब देखो ये कैसे हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ये वाला कोण की भी दिशा किधर है, नीचे है, तो इधर वाला जो दिशा होगी वो भी नीचे ही होनी चाहिए, तभी उसका आधा होगा या उसका दोगुना होगा, अदरवाइज अगर ऊपर दिशा है, क्योंकि इस कोण की दिशा कहाँ दिखा दे रही है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो जो 200 वाला एंगल बना है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस कोण की बात करूँ तो इसकी दिशा ऊपर जा रही है, लेकिन अगर इस कोण की बात करूँ तो इसकी दिशा कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो आपको ये याद रखना है, दिशाएँ सेम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद रखो इसको, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बीटीसी में पूछा गया है, आई गारंटीड हर साल पूछा गया, जाके देख लो। ठीक है, उसके बाद अब ये पी क्यू को क्या किया, पी को थोड़ा सा उठा दिया, क्यू को और उठा दिया, अभी क्या किया है कि इस क्यू को और ऊपर कर दिया और इस पी को और ऊपर कर दिया। आप देखो इस वाले चित्र में इस क्यू को कहाँ कर दिया, ऐसे और ऊपर कर दिया और पी को भी और ऊपर कर दिया है, तो डजंट मैटर, यहाँ पे वही कोण हम काउंट करेंगे जो यहाँ पे बनेगा, इस पर बनने वाला कोण काउंट नहीं किया जाएगा, तो याद रखना इस चीज को। तो हम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं आपको, आप लगा के दिखाइएगा जल्दी से हमें। तो हमारा क्वेश्चन है इस तरह से कि ए और बी दो पॉइंट हैं, एक कोण बन रहा है सी और एक केंद्र है ओ, और यहाँ पे हमें एंगल दे दिया गया है, यहाँ पे एंगल दे दिया गया है 180, तो आप बताओ कि सी पर कितना अंश का बनेगा। अब देखो सी की दिशा किधर है, नीचे, तो ये वाला भी एंगल कहाँ पता होना चाहिए, नीचे, तो अगर 180 दिया गया तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 180, बिकॉज 180 कितना होगा 360, और 180 का आधा कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो वो कितना होगा 90। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना है। हम अगली स्लाइड में देखते हैं, हमारे अगला प्रमेय दिया गया है, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, तो वो बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, वृत्तखंड निर्धारित कौन करता है, अगर आप नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो देखो, इसलिए मैं पहले उसको बताया था। तो वृत्तखंड निर्धारित कौन करता है, एक जीवा निर्धारित करती है वृत्तखंड को, तो एक ही खंड अगर हम ए से बी तक एक जीवा निर्धारित कर दिए, एक जीवा खींच दिए, तो ए बी हमारा चाप भी हो गया, चाप जब हम बात करेंगे तो हम परिधि पे आ जाएंगे, और जब हम जीवा की बात करेंगे तो इस रेखा खंड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ए बी हमारा चाप हो गया और ए बी हमारी जीवा हो गई। अब इसी ए और बी से एक एंगल बन रहा है डी, एक एंगल बन रहा है डी, और इसी ए और बी से एक एंगल बन रहा है ई, ध्यान से समझना इस चीज को, और इसी ए और बी से एक एंगल बन रहा है केंद्र पर ओ। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कि O से जो रेखा निकल रही है वो इंड कहाँ पे हो रही है, A और B पे। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम आपको बता दिए कि 100 अंश बन रहा है, मान लो यहाँ पे हमने बता दिया 100 अंश बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो इसके अकॉर्डिंग, तो आपको इसके अकॉर्डिंग अगर ये 100 बन रहा है तो
ये जो डी वाला एंगल है ये इसकी भी एंडिंग कहाँ हो रही है, ए और बी पे। इसका मतलब अगर केंद्र पर 100 बन रहा है तो परिधि पर कितना बनेगा, 50। तो भैया ई वाले की भी एंडिंग कहाँ हो रही है, ए और बी पे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंडिंग पॉइंट आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। लेट्स अज्यूम दैट एक एंगल है ए और बी दिया गया है आपको, यहाँ पे डी बन रहा है, यहाँ ई बन रहा है, और चूंकि केंद्र पर, ध्यान से समझना, केंद्र पर क्या बन रहा है, केंद्र पर हमारा 100 अंश का कोण बन रहा है। हम अगला देखते हैं, अगला हमारा डी पर बना है, फिर अगला हमारा ई पर भी बना है, ठीक है। अब यही दोनों कोण हमें बराबर दिखाने हैं, तो कैसे दिखाओगे आप, देखो जरा समझते हैं इस चीज को। तो हमारा ये वाला जो कोण है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को लगाएं तो यहाँ 100 बनाए तो यहाँ क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा ना। अब इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं तो देखो ई से भी एंडिंग ए पे है, बी पे है, तो अगर यहाँ पे 100 बन रहा है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 50। और चूंकि ये जो ए बी है वो एक जीवा अगर हम खींच दें तो ये वाला खंड हमारा हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड, और ये वाला खंड हो जाएगा हमारा लघु वृत्त। क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड। तो आप देखो एक चीज समझना कि यहाँ पे दीर्घ वृत्त खंड, चाहे यहाँ लिखा है ना एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, तो देखो दीर्घ वृत्त खंड में जो दोनों कोण बन रहे हैं वो क्या है, बराबर है। सो दैट्स वाई माई फ्रेंड्स आप समझना इस चीज को, अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बता रहा हूँ इस तरह के बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए कि P और Q दिया गया है और एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो आप खुद देख रहे हो कि वो दोनों एंगल कितने किधर हैं, एक ही वृत्तखंड में, बिकॉज PQ एक जीवा है जो ऊपर वाले को दीर्घ वृत्तखंड निर्धारित कर रही है और नीचे वाले भाग को लघु वृत्तखंड। और अगर आपको इस एंगल का मान दे दिया गया है 30 अंश और आपसे पूछा जाए कि इस एंगल का मान बता दो, भले ही केंद्र ना दिया गया हो, तो आपको ये थ्योरम याद होना चाहिए कि एक ही वृत्तखंड में बने दोनों कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर ये 30 दिया गया है तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि एक ही वृत्तखंड के बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या दिया गया है। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो दी गई है, मैं समझाना चाहता हूँ इस स्लाइड पे फिर से एक बार आपको वो सारी चीजें कि अगर PQ एक चीज दिया गया है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 30 अंश का, तो इसके द्वारा इधर भी जो बना होगा एंगल वो कितना होगा, 30 अंश का होगा। मैं फिर अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखता हूँ क्या चीजें दी गई हैं। तो हम चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म 180 अंश का होता है, जो मैं आपको पहले ही स्लाइड में समझा दिया हूँ, अगर नहीं देखे हो तो वीडियो को बैक करके देख लो। तो अगर एक चक्री चतुर्भुज, इट मीन्स दैट इसके चारों शीर्ष कहाँ होंगे, वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। इसका मतलब अगर ये ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, तो ये ए और सी मिलके कितना होगा, 180 अंश। उसी तरह से ये ए बी और डी भी मिलके कितना होगा, 180 अंश होगा, इसी के बारे में दिया गया है। हम अपनी स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं जो आपके सामने दिया गया है, थोड़ा सा इसको लगाते हैं कैसे लगेगा ये। देखो डियर फ्रेंड्स वही बात है, ये पूछा क्या है आपसे, क्या पूछा फाइनली, ए डी सी एंगल, ए डी सी। तो देखो ए डी सी ये एंगल, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये लगाएंगे कैसे, डी का जो दिशा है वो किधर है, नीचे है, तो हमें नीचे वाला पता होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन लगाने जाओ आप यही बस याद रखो कि जब दिशा हमें नीचे दिखाई दे रही है, या कह सकते हो दिशा जो है वो अपोजिट साइड में दिखाई दे रही है, तो उसके अपोजिट साइड वाला ही एंगल हमें पता होना चाहिए। इट मीन्स दैट अगर ये टोटल 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 45। सिंपल सा आप लिखना, क्यों हो जाएगा, बिकॉज अब ब्रैकेट में लिखोगे, चूंकि एक ही निश्चित चाप द्वारा, निश्चित चाप कौन सा है, ए बी सी जो है वो एक निश्चित चाप है, ए बी सी क्या है, एक निश्चित चाप है, जिससे देखो ओ का जो एंडिंग पॉइंट है वो भी सी पे है, ओ का जो एंडिंग पॉइंट है वो भी ए पे है, इसी तरह से डी का जो एंडिंग पॉइंट है वो भी सी पे है और कहाँ पे है, ए पे है, इसलिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो यहाँ पर लिखा गया है पी क्यू आर 110 है, तो देखो 100 एंगल है, ये 100 एंगल है, ठीक है। फिर अगला क्या दिया गया है, पी क्यू आर ओ एक वृत्त पर स्थित हैं, तो क्यू पी आर ज्ञात कीजिए, क्यू पी और आर आपको ज्ञात करना है। ध्यान रखना ये अगर 100 है, यानी ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो अगर 100 है तो ये कैसे निकालना है, क्यू पी आर। तो ध्यान से समझो जरा, यहाँ पे एक स्लाइड दी गई है, देखो ये पी आर पे ओ की भी एंडिंग पॉइंट पी पे है और आर का भी एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, पी पे है, ठीक है। तो आप जरा देखो कि इसकी दिशा किधर है, नीचे है, तो इधर वाली दिशा कितनी होगी, क्या होगी वो,
तो वो भी नीचे ही होगी। अगर वो 100 दिया गया है तो ये एंगल कितना होगा, 200, क्योंकि केंद्र पे डबल बनेगा। आप हमेशा याद रखो केंद्र पे डबल बनेगा, परिधि पर हाफ बनेगा। केंद्र पर डबल, परिधि पर हाफ, तो केंद्र पर डबल बनेगा यानी 100 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 200। हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल। तो अगर हमें ये वाला एंगल पता हो जाए तो हम ये वाला एंगल बता सकते हैं। अब समझो कैसे पता होगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक चित्र बना है जो कि इस तरह से बना है, इस तरह से बना है, बिल्कुल इस तरह से बना है, ठीक है, और इस तरह से बना है, जो P लिखा है, R लिखा है, O लिखा है, और ये एंगल हमें पता है 200 मिल गया है, बिकॉज ऑफ दैट कि ये 100 था तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 200, तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 160। इसका मतलब ये जो अंदर वाला एक चित्र बनेगा वो 160 हो गया। अब यहाँ से बड़ा ध्यान से समझना कि OP भी आपकी एक त्रिज्या है और OR भी एक त्रिज्या है, तो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। इट मींस दैट OP के सामने ये वाला कोण है और OR के सामने ये वाला कोण है। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। मैं फिर से समझा रहा हूँ, तो देखो ध्यान से कि इस तरह से आपका एक बना है जिसमें पी लिखा है, आर लिखा है, चूंकि उसने सटा के लिखा है तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है वहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा दूर दूर करके दिखा रहा हूँ। तो ये 160 हो गया ये वाला एंगल, तो ये वाला भी कोण यक्स होगा और ये वाला भी कोण यक्स होगा, बिकॉज OR और OP दोनों समान भुजाएं हैं, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अब त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योगफल कितना होता है, बताओ जल्दी से, त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योगफल कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो 160 तो ये ऑलरेडी हो गया है, तो बाकी दोनों कितने हो जाएंगे, तो 10 डिग्री और 10 डिग्री। इट मींस दैट कि अगर ये 10 डिग्री हो गया, अब ध्यान से समझो, अगर वो 10 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ये कितना होगा, तो कि OPR कितना होगा, इसके बारे में हमें बात करना है। तो OPR आपका हो जाएगा इन द सेंस कि ये इस तरह से हो गया और इस तरह से बना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछा है, तो ये वैल्यू हमारी OPR पूछा है, OPR मतलब ये वाला हमसे पूछा है अंडर वाला, तो OPR हमारा कितना मिल गया है, तो ये 10 डिग्री मिल गया है, बस यही हमारा आंसर था, ठीक है। देखो देखो ये ऐसे बनेगा OPR, तो ये अंदर वाले एंगल को पूछा है, इसका हमारा आंसर कितना है, 10 डिग्री। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप ट्राई कीजिएगा एंड फिर इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, पॉज करके वीडियो को आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इसको लगाइएगा, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट, एंड आप नहीं देखे वीडियोज़ तो जाके पीछे वीडियोज़ को देखो। थैंक यू वेरी मच।